भारत देश के जितने भी सर्प मित्र हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, बात करेंगे शासन के ऊपर, बात करेंगे प्रशासन पे बात करेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है सर्पों को भी बचाया जाए और मानव को भी सुरक्षित किया जाए, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा उद्देश्य। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं और इसमें क्या अच्छा है और क्या गलत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये सिर्फ बात जो है वो हमारे भारत देश के जितने भी सर्प मित्र हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, बात करेंगे शासन के ऊपर, बात करेंगे प्रशासन पे बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने समाज को जागरूकता के बारे में बात करेंगे कि अभी तक जो गांव देहातों में सर्प निकलते थे तो ज्यादातर लोग उनको मार ही देते थे, लेकिन जब से सर्प रक्षक जो हैं रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, सर्पों को बचाने के लिए गांव गांव तक जाते हैं और बचा के और सुरक्षित पूर्वक जंगलों में छोड़ते हैं, ये सर्प मित्रों का, सर्प रेस्क्यू करने वालों का ये काम है। मिलता क्या है उनको? कुछ भी नहीं। ना सरकार कुछ पैसे देती है, ना शासन पैसा देता है, ना प्रशासन पैसा देता है। किसी के घर में रेस्क्यू करने के लिए अगर गए हैं तो उसके पास 100, 50, 200 जो इच्छा होती है तो वो लोग दे देते हैं और नहीं इच्छा होती है तो वो लोग नहीं देते हैं। जब भी हमारे लोगों के पास कॉल आता है तो कहते हैं अगर रेस्क्यू करने आओगे तो कर ले जाइए और नहीं तो वो मार दिया जाएगा। ऐसे में हम लोगों के साथ होता क्या है, बेजवान जीवों को बचाने के लिए भाव जो है उत्पन्न होता है और हम लोग चल देते हैं। आधा घंटे में पहुंचना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आधे घंटे में 4-5 बार फोन ही आता है, कितनी देर में आ रहे हो, कितना टाइम हो गया है, बार बार फोन आता है। हम लोगों को बहुत फास्ट ही चलना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंच के सर्प को रेस्क्यू करें और उनको जंगल में छोड़े। अगर जल्दी नहीं पहुंचते हैं तो या तो सर्प मारा जाता है या फिर सर्प जो है किसी ना किसी को काट लेता है। ऐसे में बहुत जल्दी होती है। रोड पर भी हमको जब निकलते हैं तो बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि चेकिंग लगी होती, हमको रोक के गाड़ी किनारे कर दी जाती है और हम उनको समझाते हैं, बताते हैं, तब तक पता लगा कि आधा घंटा बीत जाता है। ऐसे में रास्ते में भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मिलता क्या है? कुछ नहीं। अपने जान जोखिम में डाल के जितने भी स्नेक रेस्क्यू करने वाले हैं सभी लोग जान जोखिम में डाल के सर्पों को बचाते हैं और मनुष्यों को भी सुरक्षित करते हैं। सर्पों को बचा रहना कितना जरूरी है, क्यों बचाया जा रहा है, इसके पीछे भी बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताऊंगा कि सर्पों को रहना बहुत जरूरी है, मनुष्य के लिए उतना जरूरी है जितना जरूरी खाना, जितना जरूरी भोजन मनुष्य के लिए है, जितना जरूरी पानी मनुष्य के लिए है, जितना जरूरी वायु मनुष्य के लिए है, उतना ही जरूरी सर्पों का रहना इस पर्यावरण में बहुत जरूरी है। कैसे? ये पूरी बात हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, अवगत कराएंगे, यह सत्य है। अगर विश्वास नहीं आप गूगल करके देख सकते हो, उतना ही जरूरी है जितना जरूरी भोजन है। सर्पों का रहना इसलिए जरूरी है कि बहुत सी ऐसी दवाइयां मेडिसिनें जो हैं वो सर्प के जहर से ही सिर्फ बन सकती हैं, अदर कहीं से नहीं बन सकती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन दवाइयां हैं, इसलिए सर्पों का रहना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये हमारे पर्यावरण संतुलन को कवर करते हैं। पर्यावरण में जैसे कि चूहा मेंढक ये है, इनको खात्मा करते हैं, उनका भोजन है वो खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। हालांकि कोई भी सर्प मनुष्य को काटने की कोशिश नहीं करता है, वो मनुष्य के बीच जाना ही नहीं चाहता है। आजकल हो क्या रहा है, फिर घरों में क्यों पहुंच जाते हैं, घरों में चूहा मेंढक ऐसी चीजें पलती हैं और वो अपने भूख के तलाश में घरों में घुस जाते हैं। जंगल कम हो रहे हैं, जंगलों में घर बस रहे हैं, जंगल बचे ही नहीं है तो सर्प कहाँ जाएं, खेत खरियानों में रहते हैं, कभी कभी भूख के तलाश में घरों में घुस जाते हैं। तो दोस्तों, सर्प जब घर में घुस जाता है तभी हम लोगों के पास फोन आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अब सोशल मीडिया पे वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं, नंबर भी डालते हैं उसमें, ताकि लोग फोन कर सके और हम सर्पों को बचा सके, घर वालों को भी सुरक्षित कर सके। कोई गांव में या घर में कहीं पर भी अगर झगड़ा हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है तो 112 नंबर पे डायल किया जाता है, वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंचता है और वो हेल्प करता है।
अगर कोई नहीं है, बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे मरीज अगर कोई है तो उसको एम्बुलेंस बनाया गया है, एम्बुलेंस पे फोन किया जाता है, तब वहां पे एम्बुलेंस आती है और मरीज को लेके जाके अस्पताल में भर्ती करवाती है। लेकिन जब किसी के घर में सर्प निकलता है, उसके लिए सरकार गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नंबर जारी नहीं किया है, जो कि बहुत जरूरी है। सर्प रेस्क्यू करने वाले जितने हैं वही अपना नंबर वीडियो पे अपलोड करते हैं और वीडियो के माध्यम से उन्हीं के पास कॉल जाती है। कभी कभी लोगों के घरों में जब सर्प निकलता है 112 नंबर पे भी कॉल कर दिया जाता है, 112 नंबर, फिर फॉरेस्ट विभाग के पास फोन जाता है और फॉरेस्ट विभाग वाले हमारे जैसे लोगों के पास कॉल करते हैं। अच्छा, सर्प रेस्क्यू वाले कहां तक करें? हमने भी कई वर्षों से कोशिश किया है, अपनी मेहनत की कमाई जो थी वो मैंने बेजुबान जीवों को बचाने में, लोगों की सेवा और मदद हेल्प करने में सब खत्म कर दिया। ये मंदिर देख रहे हो, 2 बीघे की जमीन में लगभग बना है, ये भी मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। आज तक किसी भी शासन प्रशासन व्यक्ति से 1 रुपया तक मैंने नहीं मांगा, जो मेरे पास था जमा पूंजी सब खत्म, कुछ नहीं बचा। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, क्या करें, कैसे बेजुबानों को बचाया जाए, कैसे मानव को सुरक्षित किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों से निवेदन बस इस बात का है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जितने भी हमारे सर्प मित्र हैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करें, ताकि शासन और प्रशासन हमारी बात को, हमारी मजबूरियों को समझे, कुछ न कुछ खर्चा दिया जाए जिससे हम बेजुबानों को ज्यादा से ज्यादा बचा सके, पूरी हेल्प की जाए। कि किसी के घर में सर्प निकला है वो या तो 112 नंबर पे फोन करे, और 112 नंबर पे फोन करे फिर वहां से फॉरेस्ट विभाग के पास फोन जाता है, फिर वहां से हमारे जैसे लोगों के पास फोन पहुंचता है। इतना प्रोसेस होने के बाद में तब जाके कहीं सर्प मित्र वहां पे पहुंच पाते हैं, ना तो कोई इतना प्रोसेस करता है। साथियों, ज्यादातर क्या होता है कि वो सर्प मार दिया जाता है, और मारने के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी मारने के चक्कर में सर्प ने मनुष्यों को वाइट कर लेता है। अच्छा, सर्पों को बचाना और सुरक्षित करना, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है जितने स्नेक रेस्क्यू करने वाले हैं उनकी वजह से हो पाता है। इससे सरकार क्या क्या है, सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसको इतना फायदा हो रहा है आप सोच नहीं सकते। कैसे फायदा हो रहा, हमारे जैसे लोगों की वजह से बहुत फायदा होता है, बहुत बचत भी होती है। कारण क्या है इसमें, समझिए पूरी बात को, पूरी बात ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे। जैसे कि हमारा हरदोई जिला पड़ता है, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश भारत, हमारा हरदोई जिला पड़ता है, पिछले महीने की बात मैं बता रहा हूं, और इस महीने 1 महीने के अंदर लगभग हमारी जानकारी में 5-6 लोगों की मृत्यु जो है वो सर्प के काटने से हो गई। 5-6 मेरी जानकारी के हिसाब 5-6 लोगों की मृत्यु सर्प के काटने से ही हो गई। सर्प ने काटा और वो अपने आप को बचा नहीं पाए और वो खत्म हो गए। अब इसमें सरकार का क्या नुकसान है, लोग पूछने लगते हैं इसमें सरकार का क्या नुकसान। भैया, सरकार ने अलाउ किया है सर्प के काटने से अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट पैसा मुआवजा देती है, 4-5 लाख के आसपास कुछ देती है, तो ये देना पड़ता है सरकार को। पता लगा 1 महीने में किसी भी जिले में 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है सर्प के काटने से। अगर हमारे जैसे 2 लोग अगर एक जिले पे हैं, 3 लोग अगर एक जिले पे हैं, तो वो लोग सुरक्षित पूर्वक रेस्क्यू करेंगे, लोग उनको मारने की कोशिश नहीं करेंगे, ना मारने की कोशिश करेंगे और ना तो उनको वाइट होगा। भाई, जब मारेंगे नहीं तो काटेगा भी जल्दी नहीं। बाय द वे, अगर किसी को काट लिया है तो हम लोग उसको जो है वीडियो के माध्यम से बताते हैं, तत्काल अस्पताल जाइए, जागरूक करने के लिए हम बताते हैं। जब निश्चित रूप से हर जिला में 3 या 4 या 2 सर्प रेस्क्यू करने वाले रखे जाएंगे तो वो लोग गांव-गांव जाके उनको जागरूक कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी दी जाए कि आज इस गांव में जागरूक करना है, भोर उस गांव में जागरूक करना है। गांव-गांव जाके हम लोग मीटिंग लगा के उनको समझा सकते हैं कि किसी को भी अगर सर्प काटे तो झाड़ फूंक नहीं करवाना है, और जो भी ये 4-5 लोग एक्सपायर हुए हैं सर्प के काटने से, उसका सिर्फ एक ही रीजन था, वो लोग गए झाड़ फूंक करवाने। वहां पे टाइम हो जाता है, भाई सर्प काटता है उसका टाइम एक होता है
कि जितना जल्दी हो सके जिला अस्पताल जाओ। लेकिन लोग करते क्या है कि झाड़ फूक करवाने जाते हैं और जब जहर वाला सर्प काटता है तो झाड़ फूक करवाने में आधा एक घंटा बीत जाता है, तब तक जहर जो है सर्प का और तेजी से चढ़ने लगता है। और फिर बाद में अस्पताल अगर पहुंचते भी हैं लोग तो वहां पर टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर एंटीवेनम लगाया भी जाता है, उनका इलाज होता भी है तो भी उनको फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में देरी होने के कारण लोगों की डेथ हो जाती है, तो इससे क्या होता है, सरकार को नुकसान होता है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को नुकसान होता है क्योंकि उसको मुआवजा देना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारे जैसे लोग गांव-गांव जागरूक करेंगे, और वीडियो के माध्यम से तो साथियों जागरूक करते ही रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं वहां तक लोगों के पास फोन ही नहीं है, वहां तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाती हैं, तो वो लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक अभी मैं खुद नहीं पहुंच पाया हूं क्योंकि वहां से रेस्क्यू कॉल ही नहीं आया है, हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो वहां के लोग अब भी जब भी किसी को सर्प काटता है तो झाड़ फूक करवाने पहुंच जाते हैं। अब झाड़ फूक करवाने पहुंच जाते हैं क्यों, उसका कारण क्या है, क्यों विश्वास पड़ जाता है उन लोगों को कि झाड़ फूक करवाने गए वहां बच जाएगा। उसका कारण सिर्फ एक होता है कि जब भी बिना जहर वाला सर्प अगर काटा है किसी को तो झाड़ फूक करवाओ अथवा ना करवाओ तो भी इंसान ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो ठीक हो जाता है। और जब कभी जहर वाला सर्प उनको काटता है तो लोग को पता नहीं होता है कि सर्प जहर वाला है या बिना जहर वाला है, वो लोग फिर वहीं पहुंचते हैं झाड़ फूक करवाने के लिए, और ऐसे में जब जहर वाला सर्प काटता है तो झाड़ फूक करने वाला भी सही नहीं कर पाता है और वो लोग खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे जैसे लोग जो स्नेक रेस्क्यू करने वाले हैं उनके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि बहुत खर्चा होता है, और जब उनका वाहन चलता है मोटरसाइकिल से जाते हैं रेस्क्यू करने या कार से जाते हैं, वहां पे शासन और पुलिस विभाग जो है वो भी रोकने की कोशिश करता है। तो उन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों से नंबर नोट कर लिया जाए, और पूछताछ तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन वहां पे रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं वहां पे कौन सा सर्प है, कैसा है और कितने लोग घर परिवार में रहते हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश ना की जाए। इमरजेंसी ये गाड़ी है, इनको सायरन की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि उनको साइड मिल सके और जल्दी से जल्दी वो लोग पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों, अगर इस भाग दौड़ की जिंदगी से अगर बच गए तो सर्प को बचाने का जो काम है हम लोगों का, ये खतरों से भरा रहता है, कब सर्प बाइट करे अपने आप को हम बचा पाए या ना बचा पाए, जीवन मेरा रहे या ना रहे, इसके बारे में तो हम नहीं जान सकते, ऊपर वाला साथ है और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है, और यूं ही काम करते रहेंगे दोस्तों। बस आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करना, लाइक करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि हम लोगों के बारे में शासन प्रशासन कुछ सोचे और हम लोग यूं ही पूरी जीवन भर बेजुबानों को बचाते रहें, अपने मानव समाज को सुरक्षित करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।